जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। स्वागत है रिपो आपका। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, जो भी हमें दिख रहे हैं, तो ये हमारी रिकॉर्डिंग है। बेसिक जो भी लोग पफ सी योग करते हैं, हम उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। इंटरव्यूज़ इन द सेंस कि भाई आपने पफ सी योग करा तो आपके क्या क्या आपको एक्सपीरियंसिस हुए हैं, आपको कहाँ फ़ायदा दिखाई दिया, तो उस पर हम बैठ के जनरल बात करेंगे। अगर आप भी पफ सी योग करते हैं और आपको भी अपना इंटरव्यू देना है या आपको आना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये गूगल फॉर्म की लिंक पकड़ा दी जाएगी। आप उस पर लिंक पर अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कब से पफसी योग कर रहे हैं और अपनी पफसी दंड बैठक की वीडियो आप भेज सकते हैं। आप उस फॉर्म को भर देना, बहुत ही जल्द आपको भी कॉन्टैक्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही मतलब जितने भी लोग आएंगे, धीरे धीरे सबको हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कॉन्टैक्ट आपको व्हाट्सएप के थ्रू होगा, तो अपना व्हाट्सएप का ही नंबर देना, राइट। तो हम शुरू करते हैं भाई। आपका नाम क्या है? रिपब मैनेजर, रिपोम। रिपोम कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता। वेस्ट बंगाल से। आपकी एज क्या होगी? 23 23 एज। तो हम सीधे आते हैं कि आप पफसी योग कब से कर रहे हैं? मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से पब्जी योग कर रहा 1.5 साल से, मतलब मान सकते हैं कि 2021 के मिड से आप पफसी योग कर रहे हो। हूँ। हाँ, 21 के जून या जुलाई इस टाइम से कर रहा 21 हूँ। के जून जुलाई से आप पफसी योग कर रहे हो, बहुत बढ़िया। और जब आप पफसी योग करते थे तो उससे पहले कुछ करते थे, मतलब कोई रेगुलर एक्सरसाइज या कुछ जिम या हाँ, कुछ वगैरह? मैं एक स्पोर्टिंग पर्सन हूँ। मैं बहुत सारे खेल भी खेलता हूँ, मतलब जैसे खेलते हैं तो ऐसे मतलब, और मैं योगा भी किया हूँ उसके पहले, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब डंबल भी थे वो भी उठाता था मतलब। लेकिन उसके बाद जो मैंने तपसी योग करा, उसका जो एक्सपीरियंस था और उन लोगों का उन चीजों का एक्सपीरियंस बहुत जमीन बहुत आसमान अलग का है, फर्क बिल्कुल। है, अभी उस पर भी ठीक हम है। आएंगे। तो और जब मतलब कि जैसे आपने भाई यूट्यूब है, तो सीधे तो पफसी उठाना नहीं होगा भाई, कहीं ना कहीं नेम मतलब नाम ही पहली बार है, तो ये तो मतलब ही नहीं होता कि कोई सर्च करे। तो आपको मिला कैसे था भाई पफसी के बारे में, कैसे पता लगा था? मैं उस टाइम मतलब, तो जैसे लोग यूट्यूब देखते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज देखते थे, मैं तो रेगुलर एक्सरसाइज करता था, पर वो वाला दंड बैठक जो बहुत सारे रिपीटेशन वाला, वो सब पुशअप ये सब वगैरह करता था। और उसके बाद मुझे वो सब करके लगा कि मुझे तो जितना स्ट्रेंथ चाहिए, जितना मतलब बॉडी में ताकत महसूस हो, उतना नहीं मिल रहा था। बिल्कुल उसके बाद मैंने कुछ दिन छोड़ा, ठीक है ये सब तो ट्राई किया, अभी कुछ नया करते हैं। जिससे मुझे एक चीज चाहिए था, वो था बहुत सारा, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए था। उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक, कुछ एक हफ्ते शायद, एक हफ्ते ही मैंने डिसाइड किया अभी मैं पप्सी के अलावा कुछ नहीं करूंगा। पप्सी का दंड है बैठा, नहीं, वो मेन करने क्वेश्चन लगा। मेरा मेन क्वेश्चन उसके मेरा ये था कि आपको मिला कैसे था पफसी योग, यूट्यूब से ही मिला था मुझे, मतलब कैसे है, यूट्यूब मतलब से कि अगर रिसर्च आपको करते हुए मेमोरी में हो तो यूट्यूब। कैसे, मतलब आपने क्या सर्च करा था, कैसे मिला था आपको, या फिर मतलब स्क्रीन खोली अपनी मोबाइल की? मतलब मैंने गुरुजी का जो पप्सियों का वीडियो देखा था दंड बैठक वाला, वो हाँ मैंने ऑलमोस्ट 2020 के करीब देख लिया था। पर उसके बाद मैं नहीं करता था, मतलब मुझे लगता था इसमें जान नहीं है, शायद हाँ नहीं समझ होगा गया, बिल्कुल कुछ। नया कॉन्सेप्ट था बिल्कुल। हाँ, उसके बाद मैंने सच में ट्राई किया 2021 को। उसके बाद मैंने मुझे पता चला यही है सारा चीज। तो अगर आपको याद हो मतलब क्या कैसा क्या लगा भाई, मुझे ट्राई करना चाहिए, मतलब क्यों ट्राई करा? जैसे आप कहते हो पहले मुझे मैंने लगता था ट्राई, मैं मुझे लगता था कि मैंने ये सब किया, मुझे तो उतना स्ट्रेंथ नहीं मिला जितना मुझे चाहिए था। मुझे बिल्कुल पप्सी योग करने के बाद उतना स्ट्रेंथ और खुद पे बिलीव आया। हाँ कि भाई जब बात कही जा रही है उसके कि बाद ही मैंने पफसी मेरा योग, कोई क्विट किया। हाँ बेसिकली मतलब आपका गोल था कि भाई मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, और पफसी योग में कहा जा रहा है, और है भी कि भाई अगर आप करोगे तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आपने करा कि भाई इसे भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता स्ट्रेंथ इससे मिल जाए। तो उसको ले मतलब एक कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी बात है, इससे एक पॉइंट मिलता है कि मतलब मेन तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या खोज रहे हो। आप अगर स्ट्रेंथ खोज रहे हो तो आप करोगे उस चीज़ को, चाहे वो कोई कितना भी कहता रहे। तो इससे मैसेज हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये मैसेज है कि जैसे गुरु जी भी कहते हैं कि भाई आप करके देखो, मतलब आप करोगे तभी आपको पता लगेगा। तो पफसी योग आपको लगता है सिंपल सा कि भाई इस तरीके से हाथ करने हैं मुझे, इस तरीके से अपने दंड बिल्कुल करनी बिल्कुल, है, मुझे लेकिन जब तक करोगे नहीं तब तक भी आपको लगा सब था। समझ में नहीं आएगा आपको। ये सिंपल से मैंने ही बहुत लोगों से बात करी है, तो लगता है कि ये शायद योगा है, योगा नहीं है ये। आपको देखने में लगेगा बड़ा सिंपल सा डांस सा हो रहा है, लेकिन जब करने बैठोगे ना तो शुरुआत में मतलब सांस तो बहुत फूल जाती है, पूरी नहीं हो पाती एक्सरसाइज। गुरुजी जैसे बोलते हैं कि हम लोग डंबल उठाते हैं 5 किलो या 10 किलो का, हमारे मेमोरी में वही पकड़ लेते हैं, हम 5 किलो में यूज्ड टू हो जाते हैं। पर अगर हम
एक हाथ के मुट्ठी को कस के पूरी जान बिल्कुल से, बिल्कुल एक हाथ से बिल्कुल करेंगे मतलब जो बाइसेप वाला एक्सरसाइज, उसमें हम पूरी जान लगा रहे, पर पूरी जान लगा 5 किलो रहे। 10 किलो में हम पूरी जान नहीं लगा और रहे, क्या, हो सकता है शुरुआत में अगर हम माने कि यही हाँ, मान लो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत हल्की मुट्ठी टाइट करी, हमें लग रहा है कि हमने 5 किलो डंबल टाइट कर रखा है, फिर आपकी मुट्ठी अपने आप और टाइट होती जाती है। तो वहाँ आप सही कह रहे हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैंने ये, मतलब मेरा माइंड जो है पकड़ नहीं रहा कि मैंने इसी वेट पर मेरे को रहना है। हाँ। तो रिपो, अभी जैसे हम बात पर आते हैं, तो आपने जब शुरुआत करी थी पफसी योग की एक्सरसाइज, तो उससे पहले आप कहते थे मतलब स्ट्रेंथ की खोज रहे थे और स्ट्रेंथ आपको मिल गई। तो आप जब एक्सरसाइज करते थे शुरुआत में, आपने किस चीज़ से एक्सरसाइज करी थी, मतलब कि डंडे शुरू करी थी, बेल्ट शुरू करी थी क्या, और फिर आपने कैसे कैसे अपनी और एक्सरसाइज पर आए? मैं जब मतलब पहले स्टार्ट किया था पप्सी योग, तो मैं मतलब 30 सेकंड का 5 दंड और 30 सेकंड का 5 बैठक लगाता था पहले, बहुत बढ़िया। मतलब उससे ज्यादा तो कुंभक नहीं लगता था पहले। उसके बाद मैंने ऐसे करके घटाता गया, दो उसके बाद 2 दंड 40 सेकंड का, 2 बैठक 40 सेकंड का, उसके बाद आया मैंने एक ही दंड 1 मिनट का और एक ही दंड बैठक 1 मिनट का बैठक। बहुत अच्छा, मतलब ये उसके टाइम बहुत बाद अच्छी है। थोड़ा सा रुकना चाहूंगा, ये आपने कितने टाइम में अचीव कर लिया था कि मतलब एक डंडा बैठा 1 मिनट में? मतलब ज्यादा टाइम नहीं मुझे लगा था, मतलब 1 महीने के अंदर मैंने अचीव कर लिया, एक से वाह, दो ये डेढ़ महीने डेढ़ तो महीने बहुत के अंदर। अच्छा है। वो भी इसलिए था क्योंकि आप पहले से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे थे। ये हाँ मैं हाँ इसलिए बोल बिल्कुल रहा हूँ क्योंकि अगर आप नए हो, नए परसियों करते हो, तो 1 महीने में जो भी मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है करना, तो आप हो सकता है उसको 1 महीने में अचीव कर भी लो और ना कर पाओ। ना कर पाओगे उसका रीज़न ये है कि आप कहीं ना कहीं शुरुआत से एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैसेज है, तो डिप्रेशन मत लेना और ज़्यादा जोर मत लगाना, अपने आराम से अपने आप को टाइम देना। जितना मैं बता रहा हूँ, अगर आप नए हो तो आपको 2 से 2.5 महीने लग सकता है इसको अचीव करने के लिए, और अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हो तो आप बहुत जल्दी पकड़ लोगे। हाँ रिपो, आगे बताया। वही। उसके बाद मैंने एक से मतलब अभी भी मैं ज्यादा ज्यादा उसको नहीं खींचता, जितना मैं करता हूँ पूरी जान लगा के करता हूँ। मिलना अभी करता भी मैं ठीक है 1 मिनट 10 15 सेकंड का 1 डंड और 1 मिनट 10 15 सेकंड का 1 बैठक बैठक इतने टाइम का ही लगाता हूँ। उसके बाद बाकी एक्सरसाइज ट्राई किया, पेट का एक्सरसाइज ओके पब्स में जो आता है, समझ गया। उसके बाद बाइसेप्स एक्सरसाइज एक करके करते करते मैं फिर उसके बाद 8 एक्सरसाइज टोटल करता था। उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते 12 करता था, उसके बाद अभी 15 ही एक्सरसाइज करता हूँ। ओके, हालांकि फिलहाल मतलब रेगुलर टाइम नहीं मिलता, आप ये लेकिन बता रहे थे मतलब भाई मैं मेरी करने जो की है, कोशिश करता नहीं ये भी आप बता रहे थे ना कि भाई मेरी वो चल रही है, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, अपनी जॉब भी है, तो उसमें भी इतना टाइम निकालना बहुत हूँ। अच्छी बात होती है। तो इससे आप ये भी लर्न करो, हाँ जो भी देख रहे हो, अक्सर लोग कहते हैं जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो अपना बहुत बिजी रहता हूँ, पढ़ाई रहता हूँ। देखो मैं भी एज ए सीए का स्टूडेंट हूँ और ये भी स्टूडेंट ही है हमारी रिपो, और हमारी रही क्रियो की ध्यान क्लास से भी जुड़े हुए हैं तो ध्यान भी करते हैं, इसके बावजूद भी अपनी एक्सरसाइज करने का टाइम है। और अभी मैं फोटो शेयर करूंगा रिपोम की वीडियो के एंड में, उससे थोड़ा पहले, कि भाई फिजिक में क्या चेंजेस हैं। तो ये सब बहानेबाजी होती है कि आपको टाइम नहीं है, मेरे पास तो भैया बहुत ये है। अगर आपके मन में है, अगर आपका एम है कि भाई मुझे फिट रहना है, देखो आज नहीं तो कल, जैसे आप 30 अपनी एज क्रॉस करोगे तो बीमारियां घेर लेंगी, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अगर आप मोटे ना, 90% चांस है कि आपको डायबिटीज़, हाई बीपी, शुगर, शुगर डायबिटीज़ यही बात हो गई, और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, ये बहुत कॉमन बीमारी है। अगर आप पतले हो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब कुल मिला के ये है कि अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बीमारी आपको करवाएगी एक्सरसाइज, सीधी सी बात। तो इसलिए अपना करना शुरू करो, वरना 30 के बाद आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आज की जो हमारी वर्किंग लाइफ है वो लाइफ है हमारी बैठ कर काम करने वाली। अब वो ज़िंदगी गई जो भाई हम पहले, हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारे एंसेस्टर हुए हैं, उनकी जो वो थी काम काज था, उनका खेती करा रहा था, तो वो तो उनकी एक्सरसाइज हो गई एक तरीके से। तो इसलिए आप अपना करना शुरू करो। तो ये मैसेज है कि भाई टाइम निकालो, आप थोड़ी इंस्पिरेशन लो। हाँ फिर आप कहते आपने वो एक्सरसाइज करनी शुरू करी थी, तो उसमें आप मतलब 1 मिनट की एक करते थे या फिर कैसे टाइमिंग थी उसमें? हाँ सर, उसके बाद मतलब 1 मिनट में पहुंचने के बाद मैं एक ही डंड करता था, एक ही बैठा, और साथ ही ओके साथ बाकी सारी एक्सरसाइज मतलब और 6 पप्सी की एक्सरसाइज मैं करना शुरू किया था उस टाइम। तो ये बहुत बढ़िया है। और अब तो आप खैर परंदे एक्सरसाइज कर लेते हो, अब हम और क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे कि सबसे पहला ये कि आपने पफसी से अपनी कोई नींद में देखा है सुधार? हाँ सर, नींद में तो हाँ सुधार देखा है, मतलब अच्छा ही नींद आता है अभी। मतलब अब ऐसा ऐसा होता होगा, मतलब बैठ अपना लेटे तो ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आ रही, या फिर
दिक्कत हो रही है। हाँ नहीं 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 मैं सोता हूँ और सुबह उठता हूँ। अच्छा नहीं, ये भी अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया काम है कि मैं सोता हूँ सुबह उठता हूँ। नींद तो खैर मुझे भी, लेकिन हाँ ये अच्छी बात लगी मुझे कि मैं अपना आराम से रात को लेटता हूँ और सुबह उठता हूँ। नहीं अच्छी बात है, नींद ऐसी ही आनी चाहिए। कभी-कभी डिस्टर्ब स्लीप होता है, पर होता है। मतलब मैं अगर सो गया तो डाई बढ़िया, बहुत ही मर बढ़िया। गया। और दूसरे ये मानते हैं कि इसे ये कहा जाता है कि अगर आप कसरत करते हो तो एनजाइटी हो गई आपका, डिप्रेशन हो गया, या फिर अगर किसी भी आप स्टेट में फंस जाते हो तो उसमें आपको क्या लगता है कि मतलब कि हाँ मतलब पफसी हो गया, एक्सरसाइज ने मेरा काम करा है। हाँ सर, एक क्या मैं जब मतलब स्ट्रेंथ में मांगता हूँ, क्यों मुझे चाहिए क्या, मतलब 3-4 लोग भी मुझे घेर ले तो मेरे लिए कोई बात नहीं हो, ऐसा चाहिए था वाह भाई मुझे वाह, स्ट्रेंथ। इससे इससे मुझे पप्सी योग से यही मिला कि बहुत कंफ्यूज मैं, मतलब इतना स्ट्रेंथ है मेरे पास कि 3-4 लोग घेर ले मैं वो मैं अकेला ही आराम काफी से हूँ। जीत कर सकता हूँ। और मतलब मेरा मेन मेन क्वेश्चन तो मेरा ये था कि एनजाइटी या डिप्रेशन में, मतलब कि मैं थोड़ा सिंपल करता हाँ, हूँ इसे। एंग्जायटी जब आपका पूरा शरीर बल से घिरा हो, मतलब एंग्जायटी डिप्रेशन नहीं हो सकता आपको। अब वाह हाँ, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन वो तो है, वो वो देखो कोई भी कॉन्स्टेंट चीज़ है वो ज़िंदगी जाती नहीं नहीं है है। उसमें। हाँ नहीं ये अच्छी बात की, देखो ये हाँ बहुत अच्छा पॉइंट मिला कि जब आप में आपको पता कि मैं ताकतवर हूँ। देखो तीन चीज़ें होती हैं जो गुरु जी कहते हैं, या तो फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल और फिजिकल। ठीक है, फाइनेंस एक टाइम बाद आता है, आप जॉब पढ़ोगे जॉब करोगे सब होगा, बचे आपके फिजिकल और स्पिरिचुअल। तो रिपम कह रहे हैं स्पिरिचुअल अपना ध्यान कर दें, ये फिजिकली भी एक्टिव है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है यहाँ पर कि जब आप अपने एक्सरसाइज करते हो और आप में एक अंदर कॉन्फिडेंस होता है। भाई अगर मान लो रात को निकलोगे आप तो डर किस चीज़ का होता है कि मेरा कोई मोबाइल ना छीन के भाग जाए, मेरे पैसे ना चुरा ले कोई, या फिर मुझे कोई मतलब कुल मिला के मैं हो सकता है ना पैसे दे भी दूं से, लेकिन फिर भी मान लो मेरे हाथ काट दे कुछ कर बिल्कुल दे। लेकिन जब आप कसरत करते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आप रात को कहीं जा रहे हो आपके पीछे लोग लग जाएं, लेकिन वो जो थॉट दिमाग में आया कि भाई कोई ऐसा कर सकता है वो आप पे हावी नहीं होगा, कि आपको पता है मैं कसरत करता हूँ, मैं जैसे दीपम जी ने कहा मैं अब 4 लोगों को आराम से लेटा सकता हूँ ठीक अगर मतलब कर करूँ चाहूँ तो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत है मतलब। हाँ कॉन्फिडेंस है। हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एरोगेंस नहीं, एरोगेंस तब होता है जब आपको ये हो कि अब मैं बलवान बन गया, अब मैं किसी को पकड़ूँ मारू पीटूँ, वो होता है एरोगेंस, या फिर ईगो अपनी सेटिस्फाई करनी, या फिर आप कहीं भी चल दिए और भाई मैं पक्षियों करता हूँ आजा मुझसे कॉम्पिटिशन करेगा, ये है। तो ये अच्छी बात है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो एनजाइटी डिप्रेशन वो बहुत जल्दी जाते हैं, हाँ, तो ये बहुत अच्छी मतलब बात वो है। कांस्टेंट नहीं रहता कभी हाँ कभी। आती हैं चीज़ें तो आती हैं, देखो आप कुछ भी करो और मैं कहूँ आती हैं, अगर वो कुछ भी काम करता है तो प्रॉब्लम आएगी, घर में घुस के ही बैठा रहेगा तो अभी उसका दिमाग उसे खा जाएगा। मेन एक्सरसाइज या हो या ध्यान हो, फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं पफसी हो कसरत की, तो उससे क्या होता है आपका कि अगर कोई भी आपके डिप्रेशन आया, कोई भी आपके अंदर एंजाइटी, कुछ भी परेशानी आई, तो उससे लड़ने की क्षमता मिल जाती है और वो बहुत जल्दी जाती है, जो आप बता भी रहे हो। हाँ, बिल्कुल 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 सही बात। बिल्कुल। एक और पूछना चाहूँगा कि जैसे हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, कि भाई सेलिब्रेसी जो होती है आपकी मतलब अपना कसरत करते हैं तो सेलिब्रेसी भी उससे आपकी आती है, मतलब ब्रह्मचर्य भी आपको सत्ता है, तो आपको क्या लगता है कि भाई ब्रह्मचर्य है सदा नहीं सदा, जो पहले एक अट्रैक्शन हुआ करता था पूरे सेक्स के लिए, उसमें कुछ सुधार आया नहीं आया? मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य के बारे में जो बाकी सब लोग यूट्यूब में बोल रहे हैं वो सब मतलब एकदम बकवास। आपके चैनल में जो मैंने वीडियो भेजा था, मतलब वो एक उंगली से सिलेंडर उठाने वाला, उसके बाद हाँ मेरे पास भी कुछ मैसेज आए फेसबुक के अच्छा जरिए। अच्छा मतलब कुछ लोगों ने मैसेज किया, बोल रहे आप ही गुरुदेव जी के चैनल में थे, सत्येंद्र जी महाराज के, ओहो आपने सिलेंडर उठाया था, इसका आपके ब्रह्मचर्य में क्या इफेक्ट है, हाँ ये सब बोल रहा था। नहीं वो मुझे ब्रह्मचर्य भी है, फर्स्ट टाइम। अभी हम बताएंगे वीडियो में, वो हाँ ब्रह्मचर्य है आपके पास, लेकिन वो वाला ब्रह्मचर्य नहीं है जो ये बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे आपका मतलब आप अगर ठीक से एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपका बेकार का फिजूल थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आएगा। बिल्कुल आप मतलब अब कोई भी काम करोगे फोकस से करोगे, अब डिस्ट्रैक्ट कम हो, यही चीज है। आपका एनर्जी ठीक सही दिशा में चैनलाइज होगा, बिल्कुल यही है मुझे लगता है, यही है मतलब अच्छा ब्रह्मचर्य। हाँ। भ्रम तो हम यहाँ पे इसमें करना चाहेंगे, ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि जो आपके लाइफ के गोल है उसको अचीव करना। अब वही आपके घूम फिर के आ गए फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल।
तो वो रिफॉर्म जी कर ही रहे हैं, फिजिकल अपना फिजिकल अपना एक्सरसाइज करते ही हैं, स्पिरिचुअल है ही। तो जब आप उन चीज़ों करोगे ना, तो जो आपका खामोखा का डिस्ट्रैक्शन है, मान लो आप पॉजिटिव साइड की बढ़ती या फिर आपको सेक्सुअल या मास्टर्बेशन हो गया, वो चीज़ें अपने आप नहीं आती। आती इसलिए नहीं है क्योंकि आपका दिमाग आपकी पकड़ उसमें लगा पड़ा है, काम में पकड़ में। और मान लो पफसी जो करते हो तो वहाँ तो आपको कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, क्यों रिपम आप खुद बताओ। अगर मान लो हाँ पफसी डंड आप करते हो और आपका दिमाग कहीं और चला गया, क्या हाँ होगा? गिर जाएगा सीधे सीधे आप, ये थोड़ा और मुग्दर तो ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर आपका ध्यान कहीं और गया तो आपकी चोट लगी। तो उसका फायदा ये होता है कि अगर आप अपने, हाँ बिल्कुल बोलिए बोलिए। हाँ मतलब उसका फायदा ये होता है जो आप बता भी रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर मान लो हम अपना एक्सरसाइज में अगर कंसंट्रेशन रखते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है। रोज अगर आप 15-20 मिनट भी दोगे, वो हैबिट बन गई आपकी कंसंट्रेशन करने की, तो वो आपके और कामों में मदद करती है। क्योंकि आपके आपको अपने माइंड को सेट करना आ गया 15-20 मिनट के लिए, तो आप कहीं भी उसको सेट कर सकते हो। तो असली ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने जो मेन गोल है उसको पकड़ो आप, उसके करने के सहायक क्या है उन चीज़ों को पकड़ो आप। तो आपका जो ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा सेक्सुअल है आप में, या फिर जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है, वो खुद खत्म हो जाएगा आपका। तो ये है असली ब्रह्मचर्य, ना कि ये कि आप करो कुछ मत, ना ध्यान करो, ना साधना करो, ना कसरत करो, और केवल और केवल अपना वीर्य की रक्षा करते रहो और अपने कोने में बैठ जाओ, कट जाओ संसार से। ये ब्रह्मचर्य नहीं, तो इसे हम कहते हैं निष्क्रिय ब्रह्मचर्य। हाँ बोल, अब बोलो आप ठीक है बोलो। सर। लोगों के दिमाग में भ्रम बैठा हुआ है कि ब्रह्मचर्य लोग जो यंग स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि मुझ में बहुत सारा स्ट्रेंथ आ जाएगा, फोकस में बहुत विवेकानंद बन जाऊंगा। लेकिन बिल्कुल ये सब चीजें के लिए ब्रह्मचर्य फॉलो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे जो वेस्टर्न बॉडी बिल्डर्स और स्ट्रॉन्ग पर्सन्स है, उन लोगों के पास में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ। उन लोगों के या तो सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य का पार्ट कुछ भी नहीं है, पर स्ट्रेंथ कहाँ से है? क्योंकि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, बस रेगुलर। जैसे जैसे गुरुजी बोलते हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मित्र हो सुजा, बहुत बढ़िया, रसिया बजा के सिल्वर टिप पड़त निशान। ऐसा ही मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। और क्या, कि जो प्रैक्टिस है वही आपको आगे लेके जाएगी, सीधी सी बात है ये। हाँ तो बिल्कुल आपकी, बिल्कुल आप अपना कुल मिला के अपनी कसरत बढ़ाओ और करते जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब वो सब चीजों में अगर फोकस नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली वो सब दूर चला जाएगा। ज्यादा हम लोग मतलब उसमें दिमाग गुजार रहे। तो आपको मतलब पक्षी योग से ब्रह्मचर्य सजा। अगले हम क्वेश्चन पर आते हैं कि मेमोरी पावर में आपको क्या लगता है कि पक्षी योग से आपका मेमोरी पावर में कितना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, और कोई किस्सा हो तो आपके पास आप वो ही बताना। सर ऐसे तो किस्सा कुछ याद नहीं आ रहा, पर फोकस मतलब मेमोरी कैसे बढ़ता है? अगर हमारा फोकस इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली मेमोरी बढ़ेगा। हम किसी को ज्यादा देर तक याद कर सकते हैं, ज्यादा देर तक एक जगह पर फोकस है कंसंट्रेट कर सकते हैं। पब्सी योग से तो ऑटोमेटिकली फोकस बढ़ता ही है, क्योंकि अगर आप एक जगह पर कंटिन्यूअसली बल लगा रहे हो, अब लगा ही नहीं सकते अगर कंसंट्रेट लगा रहे नहीं है, अब उस जगह पर फोकस नहीं कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल मतलब मेमोरी मेरा तो आपकी बढ़ी फोकस होगी, बिल्कुल बहुत बुरा। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना आपको मुझे वो बताओ स्ट्रेंथ की एक्सपीरियंस, कि जैसे हम स्ट्रेंथ तो कहते हैं सर पफसी योग से बहुत स्ट्रेंथ ही बढ़ती है। अच्छा फिलहाल उससे आगे जब आने पहले, अभी आपकी पफसी डंड की टाइमिंग क्या है और पफसी बैठक की टाइमिंग क्या है? हाँ सर, मैं अगर बिना कुंभक के पपसी दंड या बैठक लगाऊं तो ऑलमोस्ट मैं 2 मिनट का दंड 2 मिनट का बैठक इजीली लगा सकता हूँ, बहुत लेकिन बढ़िया, मैं नहीं लगाता। मैं कुंभक के साथ करता हूँ, मतलब कुंभक के साथ करता हूँ उसका दंड का। मेरा 1 मिनट 1 मिनट 10 सेकंड का भी एक दंड लगाता हूँ, 1 मिनट 10 सेकंड का बैठक। क्योंकि मुझे लगता है कि कुंभक के अगर हम लोग लगाए तो ज्यादा बल प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए कुंभक करके ही दंड लगाता हूँ। इसलिए ऑलमोस्ट अभी 1 मिनट 10 से 15 सेकंड का दंड और 1 मिनट 10 से 15 सेकंड का बैठक लगाता हूँ, दो बैठक बहुत और एक नहीं, बहुत दंड। बढ़िया बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा, मैं कहूँगा अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा। और फिर आते हैं हम कि कोई मतलब आपका, ये भी हाँ मतलब अगर कुंभक हाँ सर मैं अगर ये भी कुंभक पूरा नहीं लगाता, मतलब लास्ट के 10 15 सेकंड 20 सेकंड मैं नहीं लगाता पूरा, हाँ क्योंकि वो है मैं भी, वो पूरा भी पूरा खींचना नहीं चाहता। मतलब मैं आराम से पूरा बल लगा के करना चाहता हूँ चीज़ें, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए। मतलब किसी स्पीड में नहीं, कि मुझे होता है ना खामोखा दिमाग में एम होता है कि स्पीड स्पीड स्पीड, वो मत करो काम। उसमें आपको फायदा ये होगा कि आप इंजरी से बचे रहोगे। हाँ सर, दंड बैठक का टाइमिंग ऑलमोस्ट 1 मिनट 10 से 15 सेकंड का अभी करता हूँ। ओके, देखें
और अब आप बताओ मुझे, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं, फिर आपके कुछ डाउट होंगे पक्षियों के बोलेंगे, कि आप हाँ मुझे बताओ कि अपने कुछ स्ट्रेंथ सर, के कारनामे, जो आपने पक्षियों से कुछ स्ट्रेंथ का कुछ कराओ। आप आपके आपके चैनल में मैंने जो वीडियो भेजा था, मतलब एक उंगली से मैंने 30 kg का सिलेंडर उठाया था। हाँ बहुत अच्छा, वो देखा था। हाँ वो वीडियो मैं वो भी कारनामे कर सकता हूँ। और भी मतलब मैं अभी आज के ऑफिस में ही मैं ऑल्टो ऑल्टो जो होता है मारुति का ऑल्टो, उसे मैं पीछे से उठा के एक जगह से हटा दिया। मतलब बहुत बहुत बढ़िया भाई, इसकी इसकी वीडियो 800 kg का है। बहुत बढ़िया। तो रिपम इसकी चाहिए, इसकी वीडियो बनाओ, मैं बता हाँ सर, इसकी वीडियो है पर मतलब थोड़ा रिस्क होता है, मतलब ऑफिस में तो है, मतलब अगर गाड़ी में डेंट आ जाए। अभी एक कार का है, मैं भेज दूंगा आपको। है ना। अब जब मान लो ये वीडियो डलेगी यूट्यूब पर, तो मैं लगा दूंगा उसकी। नहीं होना चाहिए, देखो मेन पर्पज़ ये है, ये नहीं दिखाना कि हमने किसी को कि आप भी गाड़ी उठाओ, मेन पर्पज़ ये है कि पक्षियों से स्ट्रेंथ आती है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ठीक स्ट्रेंथ है, में तो भरपूर स्ट्रेंथ आता है, हाँ मतलब हाँ आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, आप किसी किसी किससे डरोगे नहीं। बिल्कुल। और एक तो आपने बताया मुझे 30 kg का सिलेंडर हो गया, गाड़ी उठाना वही वो अपना बहुत अच्छी बात है। और जो भी आपको और याद, जो भी सर मतलब कि जो भी जैसे, आपने अब तक कराओ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बताओ। हाँ सर जैसे मतलब आपको पता ही, मैंने 10 kg का मुकदर मंगाया था, तो हाँ मतलब ऑलमोस्ट मतलब 2 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही मैं उसको एक हाथ से घुमाने लगा। बहुत आसानी से, बताओ, मतलब मतलब वो तो बराबर आपको बहुत बता ही अच्छी था बात मैंने। है। 10 किलो का मुकदर बहुत अच्छा होता है, कोई कम स्ट्रेंथ नहीं होती है दस अभी किलो के तो मुकदर में। मेरा एक डाउट है मुग्धर के लिए, मुग्धर के लिए। हाँ, अभी अभी लेते हैं, डाउट भी लेते हैं। और आप बता रहे थे वो पंजे वाला, आप भाई पंजा लड़ते हो, आप बता रहे थे हाँ मुझे। हाँ सर, मतलब पक्षियों में ज्यादा लोगों से नहीं लड़ा, किंतु जो लोगों से मैं पक्षियों करने के बाद लड़ा है, कोई मुझे पंजे में नहीं हरा पाया। हाँ पता, तो वो लोग क्या करते थे जिनसे आप लड़े थे पंजा, उनका कोई एक्सपीरियंस हाँ एक्सरसाइज का। सर, मेरा एक भाई है तो जिम करता है, मतलब रिलेटिव में ही है बहुत, मतलब वो बोलता है मैं अभी 145 kg का स्क्वाट लगा के आया, 165 kg का डेड लिफ्ट, ऐसे मतलब वार्म अप भी 100 kg करता है। तो बोला मुझसे कि तो तेरा फोरम बहुत अच्छा लग रहा है, अभी चल एक पंजा लड़ते हैं। तो अच्छा मैंने लड़ा, मैं सोचता मतलब ये तो बहुत स्ट्रेंथ होगा इसके पास। उसके बाद मैंने मतलब उसको बहुत आसानी से हरा दिया। उसके बिल्कुल बाद मुझे पता चला पक्षियों का स्ट्रेंथ कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये है कि भाई मान लो जैसे वो लिफ्ट करते हैं, तो हम आपके जो भी भाई या दोस्त हैं उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, भाई अच्छी लिफ्टिंग है, 150 या 400 ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ दिखा रहे हैं कि वहाँ पर भी आप उन लोगों को बीट कर सकते हो। हाँ तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बिट कर सकते। मैं और भी दोस्त लोगों से लड़ता हूँ पंजा, मतलब बहुत सारे दोस्त लोगों के 2 हाथ से लड़ता हूँ। अच्छा, 2 हाथ से कभी कभी बीट नहीं करता, लेकिन मतलब 2 हाथ से मतलब उन लोग मुझे बीट नहीं कर पाते 2 हाथ से। वो नहीं बीट कर पाते आपको 2 हाथ से, आप 2 हाथ से बीत जाते हो। हाँ 2 हाथ से जीत नहीं जाता, मतलब ट्राई हो जाता है हाँ ऐसा। ट्राई हो रहा था, मतलब फिर भी अच्छी बात है, कम से कम 2 हाथ को अपने ऊपर एक ऐसा चैलेंज लेना, वो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात। मैं कुल मिला ये भी आपके जो कारनामे हैं, जो भी आपने करने स्ट्रेंथ के, वो बहुत अच्छे हैं, आगे भी आप करते रहोगे। तो अब आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट हैं बता देंगे। हाँ सर, सर मैं अभी पूछ रहा था कि मतलब अब तो 10 kg का मुझे मैं घुमाता हूँ, मतलब उतना टाइम उतना नहीं घुमा पाता। जिस दिन टाइम मिलता है 100+ घुमा लेता हूँ 100 से 150 के बीच, और जिस दिन टाइम नहीं मिलता 50 के करीब घुमा लेता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ क्या 15 kg का मुकदर मुझे यूज करना चाहिए। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आप एक और मुकदर लो, मतलब कि 10 किलो का आपके पास है, ठीक है, एक और 10 किलो का हो, अब आप घुमाओ दोनों हाथ से, एक इस हाथ में आपका मुकदर, इधर देखो आप कैमरे में, एक आपका इस हाथ में मुकदर हो गया, एक इस हाथ मुकदर हो गया। आप पहले ये ट्राई करो, पहले इन सब की आप डेवलप करो, क्योंकि पता है एक हाथ के मुकदर में ना इसी साइड ज़्यादा आपका वो रहता है सूर,
मतलब मेन तो हाथ पर रहता है, जब दोनों पकड़ते हो ना तब पूरी बॉडी पर आपके आता है, तब उससे और अच्छी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी। तो अभी आप हायर वेट शिफ्ट में करो, समझा। केवल उसी वेट का एक और मुग्दर लो और दोनों घुमाओ, तब आपको पता, तब एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप होगी, खासकर शोल्डर्स में आपके। और आप बता रहे थे कोई पसलियों का डाउट था आपका? मेरा क्वेश्चन है कि मतलब 15 एक्सरसाइज जो पप्सी ओके है उसका क्या सीक्वेंस वाइज ही करना चाहिए क्या? मैं पहले दंड बैठक लगा के उसके बाद बाकी 12 एक्सरसाइज कर सकता हूँ, आप कर सकते हो जो पहले दो दंड दंड बैठक लगा, दो बैठक और हाँ, दंड बैठक के हाँ बाद भी बोलिए कर सकते हो बोलिए। और अपना वो कर सकते हो। बस ऐसा मत करना कि आपने जो मतलब दंड बैठक को हटाओ तो बाकी हुई आपकी 13 एक्सरसाइज। ऐसा मत करना कि आपने 4 बाइसेप्स खींची फिर दंड लगाई, फिर आपने कुछ और करा फिर बैठक लगाई। या तो दंड बैठक पहले रखो और 13 एक्सरसाइज बाद में रखो, या 13 एक्सरसाइज पहले रखो दंड बैठक बाद में रखो, ऐसा करो इसको, वरना फिर सिक्वेंस टूटता है एक्सरसाइज का। ऐसा आप कर सकते हो बहुत आराम से, मैं तो खुद करता हूँ, मैं मतलब करता हूँ। तो अभी तो क्या फिलहाल मुग्धर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लगा हुआ हूँ, जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो जो है वरना तो ये है कि अपने भी पहले बैठक कर ली डंड बैठक, फिर बाद में करिए अपनी वो कहते हैं सब बाकी 13 एक्सरसाइज, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर समझा। हाँ और आप बताओ कोई डाउट? हाँ सर, मुग्धर और पप्सी योग में पहले कौन सा पढ़े? पहले आप करो पप्सी योग, ठीक है, बाद में आप करो मुग्धर। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि पप्सी क्या करता है, मसल को करता है संगठित, मतलब आपकी मसल को जोड़ता है। मुग्धर में अगर आप ज़्यादा रिपीटेशन कर दोगे तो मसल आपकी टूट जाएंगी। तो एक चीज़ याद रखना कि अपने रिपीटेशन बिल्कुल सेट रख करके रखना, उससे ज़्यादा मत बढ़ाना। सर मैं ज्यादा रिपीटेशन नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा 110 भी। हाँ, इतना ही करना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा करोगे तो आपकी वही समझ गए ना, एक एक्सरसाइज जोड़ रही है, एक अगर ज़्यादा करोगे तोड़ देगी। हाँ हमें हमें चलना है क्योंकि जोड़ने की तरफ। सर, तो पहले मैं कौन सा करूँ? पहला आप करो पफसियो, पहले आप पफसी सर खींचो, मैं फिर अपना आराम ये से भी रखो। यही करता हूँ, मैं पहले पक्षी होगी हाँ बस बहुत बहुत क्या, क्योंकि मतलब मैं अगर आज ही आज 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 का ही इंसिडेंट बोलता हूँ, मैं सुबह को टाइम नहीं मिला, पढ़ते पढ़ते रेडी होते होते ऑफिस निकल गया। उससे तो पहले नहाने से पहले मैं मतलब 50 के करीब मुग्धर घुमा लिया, उसके बहुत बाद बढ़िया। नहाया, उसके बाद ऑफिस आ गया। अभी अभी शाम को एक दंड और एक बैठक लगाया मतलब बहुत ऑफिस से बढ़िया। आके इसी तरह। तो इसमें एक और मैसेज है, आप देख सकते हो कि अपने टाइम को मेंटेन करो, पहले कर लो नहाने से बाद में कर हाँ लो। मैं खुद हूँ, मैं कभी कभी करता हूँ, अगर मान लो लेट हो रही होती है तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगा, फिर दंड करने के बाद क्या करूँगा, बैठक कर दूंगा नहाते नहाते, मतलब शरीर में पानी है अपना और वहाँ बैठक चल रही है बाथरूम में। ये करना पड़ा, अगर टाइमिंग नहीं होती तो करना हाँ पड़ता है शरीर को मेंटेन। मेन आपकी है कंसिस्टेंसी, अपने आप को हाँ कंसिस्टेंट बिल्कुल बिल्कुल रखो, बिल्कुल बिल्कुल आपकी शरीर आपका हाथ में आ जाएगा। तो ये है, और एक चीज़ हमारी हाँ वो बिल्कुल मिस हो नहीं बिल्कुल। रह गई कि आपने इस टाइम जब आपने पफसियों करा था, आपने अपनी डाइट क्या रखी थी, क्या खाते थे आप? सर आपको पता है मैं मतलब वेस्ट बंगाल से, यहाँ पर लोग मछली बहुत खाते हैं, हाँ यहाँ तो है मछली भाई वो है, उसमें अभी मतलब। मैं हाँ बता, पहला बताओ। हाँ सर मैं जो घर का नेचुरली बना हुआ होता है वो सब खाता, सब कुछ नहीं छोड़ता मतलब, तो वो सब खाता हूँ। रात को सोने से पहले कभी कभार दूध पी लेता हूँ, यही चलता है सर। मतलब मैं कोई डाइट एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, हाँ कुछ नहीं, आलतू मतलब फालतू की प्रोटीन का तो चीजें मतलब ही जी नहीं, सीसी बात है। तो मतलब कुल मिलाकर जो आपके नहीं ट्रेडिशन में सर है वो सब। खाना, जो आपकी ट्रेडिशन में है वेस्ट हाँ बंगाल साइड घर का खाना, वो ही खाते हो? हाँ हाँ सर बिल्कुल 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 हाँ, और वो आएगा ही मतलब, वो। और भी मतलब। हाँ हाँ सर, और सर कभी कभी अगर भूख लगे तो बिस्किट ये सब खा लेता हूँ, हाँ वो समझ कुछ गया मैं और मतलब, कुछ नहीं मतलब। बिल्कुल। तो यहाँ पर और ये कभी मैसेज कभी है कि मतलब मेन, हाँ सुबह को मतलब मम्मी वो डाल देती है मतलब मतलब वो आमंड्स और किशमिश वगैरह कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी नहीं हाँ खाता, मैं वो यही। मतलब कुल मिला के ट्रेडिशन वाला घर जो ट्रेडिशन है वो खाना, और अपना थोड़ा बहुत हाँ बिल्कुल वो भी जो मतलब मम्मी ने कभी रख बिल्कुल दिया काजू बादाम या फिर बिस्कुट खाना। तो यहाँ मैं मैसेज ये हाँ देना चाहते हैं अपने मतलब कि जो बता रहे हैं कि हर रीज़न के हिसाब से डाइट चेंज होती है। तो आप कहोगे भाई वो तो हाँ नॉन वेज खा बिल्कुल रहे हैं तो वो गलत हो गया, भाई नॉन वेज से तो बनी जाएगी बॉडी, हाँ वो यहाँ पर मैटर वो नहीं है। देखो तो जो रीज़न होता है उस हिसाब से आप डाइट वही लोगे। अब मान लो मैं हूँ, मैं अपने हाँ हम रहते हैं अपने यूपी वेस्ट में, वहाँ हमारा कोई है नहीं, हमारा हमारे पास आराम से रोटी सब्जी अवेलेबल है, हमारा उसमें काम हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो हाँ रीजनल है वो बिल्कुल डाइट तो आप लोगे ही लोगे, उसमें आप नहीं अवॉइड कर सकते। तो कुल मिलाकर आप हाँ। नेचुरल गुरु डाइट जी का करो। जो, हाँ 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 गुरु जी का जो सत्याष्टमी ग्रंथ है उसमें भी मैंने पढ़ा था कि जो रीजन के हिसाब से हमें खाना चाहिए,
तो बिल्कुल काल, खाने को भी वो स्पिरिचुअलिटी से अभी जोड़ दे रहे हैं और क्या, अभी। काल, परिस्थिति और देश, इनके अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, आपको उसी हिसाब से रहना पड़ता है। कुल मिला के कंसिस्टेंसी रखो, जो काम है कसरत है कसरत करो, ध्यान है ध्यान करो, अपने आप अचीव कर लोगे। तो रिपम कोई और बिल्कुल डाउट हो तो आप बताएं, वरना अपने हम सेशन को ही एंड करते हैं। सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है आपको, तो मैं कोई डाउट हुआ तो पूछ ही लेता हूँ आपको, कॉल से या व्हाट्सएप से पूछ ही लेता। आप तो क्लास जुड़े हुए हो तो आपके पास तो यही सब है कॉन्टैक्ट एक्सेस। तो फिर ठीक है, हम इसको सेशन को यहीं एंड करते हैं। बहुत बढ़िया लगा रिपम आपसे बात करके, को एक्सपीरियंस बताया आपने, और जो लोग हमारे देख रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं सीख, कहीं ना कहीं क्या सीख मिली ही मिली होगी अगर आप पब्सियो करते हैं तो। आपको भी आना है, अपने एक्सपीरियंस बताने हैं तो बता चुका हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आप फॉर्म को भरें, हम आपको, हमारी टीम जो है आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो सेशन को एंड करते हैं हम, और जय सत्यम सिद्धाय नमः, जय गुरुदेव। जी।